इससे अच्छा डाइनिंग एक्सपीरियंस आज तक नहीं करा। रेस्टोरेंट में आए विच इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन मुंबई फॉर द मॉडर्न इंडियन कुजीन। अब आप बोलोगे हाउ इज़ इट द बेस्ट। 2014 में रेस्टोरेंट खोला था, तब से हर साल मॉडर्न इंडियन कैटेगरी में एवरी ईयर दे हैव वन टाइम्स फूड अवार्ड, दे हैव वन इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड द यू नो द पर्सन हु हैव फाउंडेड दिस रेस्टोरेंट मिस्टर जोरावर कालरा He is also one of the judges in MasterChef India and also he belongs to such a family which has contributed towards making and documenting Indian cuisine to a very next level. So we are here today tasting the chef tasting menu. So chef tasting menu hum taste kar rahe hain. They would be around 7 courses, 12 courses. So 12 dishes khayenge chef tasting menu. This is around 2700 with taxes and this is very nicely located in BKC. So let's start with our first course. So that's the first course for you. Okay. That's the Amush Push. Okay. Amush to Amush your palate. Amush our palate. So if you see, it's a fake egg. Okay, it's a fake egg. We call it fake eggs. Okay. It's made up of mango. Okay. And coconut. So just take a straight shot. So ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये coconut है, water है इसमें, and is a spherified yeah, mango. Yeah, by Morikel gastronomy yes, technique, yes. We have converted the mango into a spherification. Okay. This is the first course. तो जो मैंगो का जो पल्प है जिससे इन्होंने स्पेरीफाई करा गया है, काफ़ी बढ़िया फ्लेवर आया कोकोनट वाटर के साथ। नेक्स्ट कोर्स की वेट कर रहे हैं हम लोग। सो 12 में से एक जा चुका है, 11 और रहते हैं। आई वो सजेस्ट वीडियो हैंड तक देखो बिकॉज काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, बिकॉज 11 कोर्सेज समझाने में और ये मॉडर्न इंडियन कोचिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे ये देखो, लुक एट दिस थिंग, दिस दैट इज द बीटरूट पापड़ ऑन द टॉप। दिस इज द बीटरूट पापड़ and we serve the semi freddo dahi bhalla which is frozen yogurt with the aloo bhujia and the sound chutney as a garnish. agar main aapko ye dikhau aur bolu this is dahi bhalla which is agar aapko yakeen nahi hoga but this is the modern avatar of the dahi bhalla. to ye jo upar hai this is a papad made from beetroot ya chukandar. इन्होंने ग्रीक योगर्ट यूज़ करके मेरे ख्याल से ये कुछ प्योरे है। किसका प्योरे है? इसमें फ्रोजन किया है। ओके okay. इसमें दाल है, योगर्ट है। ओके okay. इसको फ्रोजन करके हमने दही बनाई है और योगर्ट में शेप है। ग्रेट ग्रेट। तो इस वक्त सबसे पहले आपको पता है इतनी खूबसूरत चीज़ लेता हूँ तो मैं अपने इंस्टाग्राम पर इमीडिएटली शेयर करता हूँ। तो जो लोग इंस्टाग्राम पर हैं उन्होंने आके एक दो फोटो देखी होगी तो उनको हिंट मिल गया होगा मैं कहाँ पर शूट कर रहा हूँ आज। वाओ दैट्स नाइस। आप खा के देखते हैं How's the taste? काफ़ी अच्छा फ्लेवर है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से एक मतलब यू नो जो आपका नोबल घी बन रहा है उसको ऐसा इन्होंने बना दिया है कि इट्स लुकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ्लेवर्स इंटैक्टेड है बल्ले के हिसाब से। नहीं आप लोग नेक्स्ट कोर्स की वेट करते हैं। सो वी हैव दी डीकंस्ट्रक्टेड समोसा हियर। ओके द बेस इज द थिन क्रैकर दैट इज बेक्ड इन ओवन। अच्छा ऑन द टॉप इट हैज समोसा फिलिंग ऑल दी पोटैटो ग्रीन पी आइलैंड एंड कॉटेज चीज। अगर कोई मुझे बोले कि समोसा है तो आई थिंक यकीन नहीं होगा बट दिस इज एक्चुअली अ समोसा अ न्यू अवतार। दिस इज अ डीकंस्ट्रक्टेड समोसा व्हिच मींस के सारे एलिमेंट्स को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करा गया है बट टेस्ट इज द सेम।
modern samosa. मतलब proper samosa का flavour है, जो samosa में मसाले डलते हैं ना वो proper है. Even जो fried जो samosa और जो crunch आता है वो baked, ये wafer जो है crisp करा है उससे पूरा flavour आ रहा है. This is a very healthier version of the samosa. तो ये क्या dish है? ये है farmer staple. अच्छा, जो कि मल्टीग्रेन फ्लावर से बना है. ओके. इसमें फिलिंग है अनियन टमेटो और चिलीज. ओके. और साइड में है लवंगी चिली फ्लेक. लवंगी, व्हाट इज लवंगी? लवंगी चिली है, छोटी चिली. उसके साथ नींबू है, नींबू चिली फोम भी आप बोल सकते हो. हाँ, तो ये जो चीज़ है ये कहाँ की है, मतलब डिश, मतलब कौन से रीजन में? एक्चुअली में हमने ये डिश फार्मर्स के लिए इंस्पायर किया है. Okay. पहले सत्तू पराठा था, ये फार्मर्स स्टेपल वर्जन 3.0 है. ओके. Okay. पहले सत्तू पराठा था, फिर कॉटेज ब्रेड हुआ और अभी थाली पीठ है. तो आप ये देख रहे हो कि एक ही रेस्टोरेंट बैठ के आप इंडिया के अलग अलग कोनों की, तो नाम मसाला लाइब्रेरी है, इंडिया की काफ़ी जगह जाके रिसर्च करके फूड डिज़ाइन करा गया. एंड ये जो मल्टीग्रेन प्लांट है, दिस इज मेड फ्रॉम सम चिली. खा के देखते हैं इसको हम लोग. काफ़ी क्रिस्प है, चिली एंड लेमन का फ्लेवर काफ़ी सा बैलेंस लुक दे रहा है. अमेजिंग, आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है. क्या है ये? हमारे यहाँ का सिग्नेचर प्रिपरेशन है वाइल्ड मशरूम चाय. वाइल्ड मशरूम चाय, ये हमने सूप को चाय जैसा प्रेजेंट किया है. ओके. फर्स्ट एलिमेंट जो हम ऐड करेंगे ये है मशरूम. ये ड्राइड मशरूम है, ये सनड्राइड मशरूम्स है, बटन मशरूम, ताकी मशरूम्स है, बटन मशरूम. इसको हमने सनड्राइड किया है. ओके. ये है ट्रफल ऑयल, इटालियन ट्रफल ऑयल, जिसको हमने कन्वर्ट किया है माल्ट प्रोडक्शन से. ओके. टू मेक इट लुक लाइक शुगर. ओके. ओके. एंड एट द एंड वी सर्व द मशरूम कंसोमे दैट लुक्स लाइक ब्लैक टी. ओके, वाओ. सो ये जो ट्रफल ऑयल का क्रम्स है ये ऊपर मेल्ट हो जाएगा और आपको फ्लेवर और अरोमा आएंगे. वाओ, लुक एट दिस थिंग, मशरूम सूप विच वाज सर्व्ड टू मी लाइक अ टी. तो हमने लिया नॉन वेज टेस्टिंग मेन्यू, बट इट आल्सो हैव एलिमेंट्स ऑफ वेजिटेरियन फूड आल्सो. इट्स नॉट लाइक ये 12 कोर्स के 12 के 12 आपके नॉन वेज हैं, बट समथिंग इज वेज एंड दिस इज इनक्रेडिबली गुड. Truffle, mushrooms, wow, amazing. Now we are having their signature drink. Masala library margarita. Masala library margarita, okay. And isme ye, these are herbs, I think. And this is in gin. ये जो है सम्बू का है, इसमें स्पाइस स्पाइसेस ऐड किए और हम फ्लाम्बे करते हैं. ओके. What is this? This is the first starter. Gilauti kebab. This is gilauti kebab. This is. इसमें जो base है वो shirmal bread है. Okay. जो bake किया गया है. Okay. और बनाया गया है saffron और केसर दूध से. Okay. और refined flour. तो बहुत ही soft है और ऊपर है gilauti kebab जो कि minced mutton पाते हैं. तो पाते जिनको नहीं पता, it's a French technique जिसमें meat को cook करा जाता है काफ़ी refined तरीके से, उसको grate करा जाता है. एंड पाटे यूजली डक लेवर का होता है विच इज़ ईटन इन द टोस्ट. तो ये गलौटी का पाटे बनाया है विच इज़ मोर रिफाइंड एंड इट इज़ वेरी क्रीमी. मतलब आप डालोगे मुँह में तो इट्स लाइक वेरी वेरी क्रीमी, यू हैव टू नथिंग. तो दिस इज आई शुड ईट विद द फोक और हाउ शुड आई ईट? यू कैन हैव इट विद द फोक, सो यू कैन कट इट. ओके. इट वुड बी ब्रेड बिलो इट, सो यू कैन एंजॉय टुगेदर. This is very nice.
शीरमाल ब्रेड का काफ़ी मीठा फ्लेवर है. द स्पाइसीनेस फ्रॉम गलौटी इज इन बैलेंस बाय शीरमाल. इट्स वेरी नाइस. जैसे आपको बोला था आपका पैलेट तेलंगाना भी जाएगा, पंजाब भी जाएगा, लखनऊ भी जाएगा, एक ही जगह बैठ के डैट्स जो मसाले कभी. वाओ ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस इज के जितने फ्लेवर्स हैं दैट आर एक्चुअली यू नो एलिवेटेड और वेरी नाइस. ये मिर्च का साल मिर्च करी ऑफ द डे कीप्स ऑन चेंजिंग. द मिर्ची का साल इज वेरी यूनिक. Like the chicken dish. इससे अच्छा डाइनिंग एक्सपीरियंस आज तक नहीं करा. मतलब योर पैलेट इज फॉर अ ट्विस्ट. मतलब यू डोंट नो व्हाट इज कमिंग, क्या टेस्ट एक्सपेक्ट करोगे, बट इट्स गुड. मतलब यू नो एक प्री नोशन है कि इट्स विल बी गुड, बट टेस्ट आर सच अ गुड एंड सच अ न्यू फ्लेवर्स. सिंपली अमेजिंग. लैम्प चॉप हमने ब्रेस किया है कोकम और मेपल के साथ. ओके. मेपल जो कि इसमें स्वीटनेस रहेगा और ऊपर राजगीरा एज ए गार्निश. राजगीरा, व्हाट इज राजगीरा? अमरंथ सी. वाओ. आप ये देखो कितना so juicy. Let me just show you. Look at this thing. इतना सही पका हुआ है. Wow. This place has taken the Indian restaurant food to a next level. It's so juicy, so soft, and flavors are completely new. These are like inventing new dishes all over again. Wow. That's your dessert, sir. So, सबसे पहले हम खा रहे हैं वनीला आइसक्रीम with शीरमाल and nuts का इसमें base है. डिज़र्ट्स भी कम से कम आप मान लो इतनी सारी यहाँ पे 3 डिज़र्ट्स हम ऑलरेडी खा रहे हैं. वाह, वेरी नाइस. आइसक्रीम की लगता है कोई डिफरेंट है, नॉट अ रेगुलर आइसक्रीम. मावा केक विथ ब्लूबेरी मूस एंड फ्रूट्स. And this is मलाई क्रीम. तो आइसक्रीम जो ये सर्व करें विच इज़ इन हाउस, बाहर से नहीं बनाते, आइसक्रीम खुद बनाते हैं. सो जब आपको बिल्कुल परफेक्ट फूड चाहिए हो तो देन यू डोंट यू वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप सारे फैक्टर्स कंट्रोल करो, इवन द आइसक्रीम. So basically this is the magnetic plate. This is super magnet. No, the normal magnet. Okay. And this is a rotating one magnet, which have a rotating quality. Okay. And this is station magnet. Okay, great. These are the superconductors. Okay. Which is dipped in liquid nitrogen. It has a minus 190 degrees Celsius temperature. Okay, okay. So it will levitate in the air. Wow. This magnet has a rotating quality. Okay. So it will rotate. And these are the food grade plastics. Okay, these are the food grade plastics. Yes. Okay. And there is a scientific theory called as quantum levitation. Quantum levitation. Yes, it is completely based on that. In this theory, this liquid nitrogen maintains the magnetism between the superconductor and a normal magnet. That's why they are levitating. Okay. As soon as the temperature increases, it will come down. It will take approximately 3 to 4 meters to come down. Okay, yes. Mm.
Belgian dark chocolate, which is coated with the cocoa powder. True for us. Yeah, cocoa powder. Cocoa powder. And these are supposed to be served chocolate. That's why we are doing it with this. Okay. And it also maintains the internal temperature of the chocolate. Great. So we just pick the chocolate and... Wow. So very strong levitation, I can't even fold it down. That very sweet note, this was an amazing, my rating doesn't matter because my rating doesn't apply to this place because it has been like two generations of food heritage, lot of big innovation I've done. This is, the restaurant which would be, jab Michelin star India, this would be like a top three places would receive it immediately. So on that sweet note, this is your host Nikhil Chavla. Take care. Don't forget to subscribe. I know ये video काफी लंबी हो गई. अगर आप इस levitation chocolate तक आ गए हो, तो thank you very much. And आपने आज कुछ काफी कुछ नया सीखा. Take care.